उधर देश में सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। पिछले 10 दिनों में आपको बता दें मानसून एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। इससे ऑयल सीड, दाल और धान के खेत सूखे पड़े हैं, जिनसे खाने के सामान की महंगाई और बढ़ने का डर पैदा हो गया है। सरकार के इकोनॉमी को पटरी पर लाने के सख्त उपायों के कारण भी महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में अच्छी बारिश की महंगाई पर लगाम की उम्मीद लगाए लोगों के लिए कोई राहत नहीं दिख रही है। मॉनसून का इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तक 37% कम बारिश हुई है। कम मॉनसून की आशंका ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। देश में सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मॉनसून आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इससे किसानों के खेत सूखे पड़े हैं। इससे खाने पीने की चीजों के दाम और बढ़ने का डर पैदा हो गया है। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के कड़े उपायों के कारण भी महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में अच्छी बारिश से महंगाई पर लगाम की उम्मीद लगाए लोगों के लिए कोई राहत नहीं दिख रही। प्याज के साथ साथ अन्य सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। जून में बारिश पिछले 100 साल में सबसे कम हुई है। देश में बारिश की कमी अभी 37% है। अनाज की पैदावार के लिहाज से महत्वपूर्ण मध्य उत्तरी और पश्चिम भारत के अल नीनो के सक्रिय होने से पहले ही सूखे जैसे हालात हैं। देश के बड़े जलाशयों में तेजी से पानी का स्तर कम हो रहा है, इससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग से भी राहत की खबर नहीं आ रही है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के आसार नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों में देश के पूर्वी इलाकों में बारिश होगी, लेकिन उत्तरी भारत में सूखा रहेगा। महंगाई की वजह से पहले ही सरकार की नींद उड़ी हुई है। प्याज के निर्यात पर पाबंदी लग चुकी है। उसने सरकारी गोदामों में ज्यादा चावल रिलीज करने का आदेश दिया है और वे राज्यों से जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह चुकी है। केंद्र ने कृषि उत्पादों से बिचौलियों को बाहर करने के भी कदम उठाए हैं। सब्जियों, तिलहन, दलहन, धान की बुआई की गति सुस्त है। सब्जियों के दाम अगले कुछ महीनों में काफी बढ़ने की आशंका है।